Chapter 3rd, class 9, chapter 3rd, we are studying division chapter 3, है ना? हमने व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, कल मैंने कहा था रिवीजन किए थे, फिर से आप लोगों ने एक बार देख लिया कल वाला जो रिवीजन हुआ था, देख लिए सभी, इसे देख लिया था, समय देता है, फिर से जो पढ़ाई हुई है उस पर, वेरी गुड रोहित कुमार, एकदम बात मानना सीखो, ये बहुत बहुत काम आएगा बाद में तुम लोग। जैसे मान लो जो कह दिया टीचर कि पढ़ना है, घर में जाओ, जो पढ़ाई हुई है उसको 10 मिनट कॉपी को एक बार उलट के देख लो कि क्या पढ़ाई हो चुकी है और क्या आगे पढ़ना है ना, तो उससे बहुत हर चीज तुम्हारा एकदम रास्ते पे रहेगा, हर चीज तुम्हारे बैलेंस में रहेगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, एटम तो देख लिए थे हम लोग, पढ़ लिए थे, एटम मॉलिक्यूल इज व्हाट, मॉलिक्यूल इज व्हाट, पढ़े हैं सभी को याद है, याद है, लिखवाया हुआ क्वेश्चन है, ये लिखवाया हुआ है ना, मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन, डिफाइन द टर्म मॉलिक्यूल, डिफाइन द टर्म मॉलिक्यूल, बोलो मॉलिक्यूल क्या है, ये आप दिखाइए, दिखाई दे रहा है सभी को, सभी को दिखाई दे रहा है ना, सभी को दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक, हाँ ठीक है, देखना अगर कोई वेटिंग में हुआ तुमको बताना। मॉलिक्यूल इज व्हाट, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स विच आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रॉन्गली बाय सम काइंड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स, सच एन अट्रैक्टिव फोर्स होल्डिंग द एटम टुगेदर इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड, है ना, केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूल जो है वो दो एलिमेंट से या फिर दोनों रंग टू एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड कर दिया, कंबाइंड करके एक कंबाइंड करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, है ना, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल, एंड द फोर्स बिटवीन देम दैट इज कॉल्ड द केमिकल, दैट इज कॉल्ड द, उसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, जो दोनों को बाइंड करने का काम किया, मान लो हाइड्रोजन है क्लोरीन है, दोनों के बीच में कोई फोर्स काम किया, सपोज केमिकल ठीक है, और दोनों के ये केमिकल बॉन्डिंग से जिसकी फॉर्मेशन हुई दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल, है ना, तो मॉलिक्यूल इज व्हाट, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन एंड शो ऑल द फिजिकल एंड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ये तुम लोग को डिफिनेशन पहले ही लिखवा चुके हैं, मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, वो हमेशा फ्री स्टेट में ही रहता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल। तुम लोग बीच बीच में यहाँ पे रहोगे तो हमको भी दिक्कत होगी ना, एक साथ तो सब आता नहीं है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल हाउ मेनी टाइप्स, मॉलिक्यूल क्या है, ये भी दो तरह का होता है, ऑफ द एलिमेंट एंड ऑफ द कंपाउंड। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट मीन्स वन टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट existing as a one species in a free state. Molecule is the two types. Molecule हमने पहले ही क्या क्या होगा, होमोएटॉमिक एंड हेटरोएटॉमिक। व्हाट इज अ होमोएटॉमिक, व्हाट इज होमोएटॉमिक, बताओ, बताते जाओ, ये पढ़ाई हो चुकी है, बता दी है, पढ़ाए है ना, व्हाट इज हेटरोएटॉमिक क्या होगा, होमोएटॉमिक इज व्हाट, व्हाट इज अ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एनी वन ऑफ यू क्या होगा होमोएटॉमिक, पढ़ा है ना, पढ़ी रहा हूँ मैं, होमोएटॉमिक
एनीवन बताओ जल्दी, होमेटोमी क्या है? होमेटोमी इज व्हाट द मॉलिक्यूल्स द फॉर्म बाय द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, एक ही तरह का एलिमेंट होगा तो देन दैट इज कॉल्ड द होमेटोमी, है ना. फॉर एग्जाम्पल सी एल टू ओ टू एच टू एन टू दैट इज फॉर्म बाय द सेम ठीक है. आवाज आ रही बाहर से, यहाँ पे किसी को कमी है? होमोएटॉमिक हेटरोएटॉमिक, है ना. हाँ, और होमोएटॉमिक ठीक है. आवाज आ रही है? चलिए, अब ये जो मॉलिक्यूल भी है तो क्या होगा, डाईएटॉमिक ट्राईएटॉमिक मोनोएटॉमिक, ये सब टर्म्स भी जान लो क्या क्या होता है. मोनोएटॉमिक मतलब ऐसा एलिमेंट जो ओनली वन एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे, दैट इज कॉल्ड दी मोनोएटॉमिक, ठीक है. और जो मान लो दो एटम आपस में कंबाइंड, दो किसी भी एलिमेंट का दो एटम आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है और एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड दी डाईएटॉमिक, ठीक है. अगर वो थ्री एटम आपस में कंबाइंड किए तो ट्राईएटॉमिक, मोर देन थ्री अगर फोर है तो टेट्रा, उससे ज्यादा है तो पॉली, पॉली है ना. ये सब तो पहले भी पढ़ा हुआ, सबको फिर से एक बार रिमाइंड कर लो, ठीक है ना. द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग वन और मोर देन द फोर एटम्स आर जनरली कॉल्ड दी पॉली एटॉमिक. फोर से अगर ज्यादा को कंटेन कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड दी पॉली एटॉमिक, ठीक है ना. द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टांस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एटोमिसिटी, ठीक है ना, किसी भी मॉलिक्यूल में हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट दैट फॉर्म द मॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट इन द स्टेट, दैट इज कॉल्ड एटोमिसिटी, ठीक है. एटोमिसिटी हमेशा एग्जाम में आता है, ये हम पहले भी बताए हुए हैं, हाउ मेनी एटम, व्हाट आर द एटोमिसिटी ऑफ एटॉमिक है. ठीक है ना. अगर फोर है, फोर रहता तो पी फोर मीन्स पी फोर है तो क्या करेंगे उसका, पी फोर में हाउ मेनी, व्हाट आर द एटॉमिसिटी, व्हाट आर द एटॉमिसिटी ऑफ पी फोर, ठीक है. चलिए अब है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, हेटरोएटॉमिक होमोएटॉमिक. जो होमोएटॉमिक था वो किसके लिए है, होमोएटॉमिक फॉर द एलिमेंट, है ना. एलिमेंट किसको करेगा, मॉलिक्यूल है लेकिन ये एलिमेंट का, है ना. अब सेकंड टाइप क्या हो गया आपका, हेटरोएटॉमिक. तो दीज आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, एटम ऑफ द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड द
heteroatomic molecule and heteroatomic from the compound. H2O, Cl2, HCl, HNO3, SUSO4, different atoms, different element, atom of the different element combined together from the molecules of the compound. Homoatomic molecules of element and heteroatomic molecules of compound. ठीक है नाउ नाउ अब डायएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर होगा तो मॉलिक्यूल में भी अगर हम लोग तो इसमें क्या होगा देखो द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मींस द टू और मोर एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास टू फॉर्म अ स्पीशीज दैट आर दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. ये भी डायएटॉमिक होगा, ट्राइएटॉमिक होगा, हेटरोटॉमिक होगा, होगा ना. जैसे कि HCl है तो वो क्या हो गया तुम्हारा डायएटॉमिक. H2O है वो क्या हो गया तुम्हारा ट्राइएटॉमिक. ठीक है CO2 क्या हुआ ट्राइएटॉमिक. अमोनिया क्या होगा NH3 टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल. ठीक है एनी प्रॉब्लम हियर नाउ नेमिंग द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. The compound, now naming of the molecule of the compound O2, oxygen. Now the compound consisting of the molecule are called the molecular compound. The compounds are formed by the combination of two or more non-metal atom. The simplest case is that of the compound are the formed by the element. Such compound made up of only the two element are called the binary compound. अगर दो element का बना हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे binary compound. ठीक है ना tertiary compound. Now अब हम लोग कैसे H2O जो है how they are formed. For example HCl H2O note that a binary compound does not mean that a containing the only two atoms. For example H2O is a binary compound made up of from two elements having the hydrogen and oxygen. It contains the two atoms of the hydrogen and one atom of the oxygen. To understand the naming of this compound we should understand the terms electronegativity. Acha electronegativity pehle bhi padha hai, isko definition likhwana padega. Pehle likhwaya gaya tha electronegativity. जो बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है मान लो कि दो नॉन मेटल आपस में कंबाइन हो रहा है वहाँ पे तो आयन का एक्सचेंज नहीं होता है. आयन का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर मान लो HCl फॉर्म किया H2O फॉर्म किया तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है कि ऐसे ही कुछ ऐसा फोर्स वहाँ पे काम कर रहा है ना. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जो फोर्स वहाँ पे काम कर रहा है यहाँ पे तो कहीं भी किसी का अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है कोई एलिमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है. नॉन मेटल होते हुए भी किसी को इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का किसी के पास पावर ज़्यादा है किसी के पास कम है होगा तभी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तभी तो वो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी बन जाता है. दैट वेरी टेंडेंसी उस टेंडेंसी को क्या कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तभी तो वो केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया. वाटर यू नो दैट वाटर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तुम लोग कहते हैं ना कि वाटर जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. वहाँ भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं है ना तो दैट इज कॉल्ड दी. तो वहाँ भी कुछ ऐसा चार्जेस क्रिएट कर देता है बन जाता है दैट इज कॉल्ड दी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे क्या हुआ अगर मान लो HCl फॉर्म कर रहा है ठीक है तो HCl इज ऑल्सो have the delta positive and delta negative charge due to the chlorine have. The chlorine have the more tendency to attract the electron. अगर sharing electron को अपनी ज़्यादा time के लिए लिया जाता है तो that very tendency को ही हम लोग कहते हैं क्या electronegativity. Electro affinity तो तुम लोग अभी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि metal non-metal में आदमी पढ़ा देता है 10th में. तो ये term याद रखना कि electronegativity क्या है. लिख लो इसको the tendency of an atom. The tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electrons towards itself is called its electronegativity.
is called its electronegativity. Then the molecule form. ठीक है, तो मालूम क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, याद रखना ये टर्म को, अभी तुम्हारे यूज में भी रहेगा. ये क्या होगा, ये द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग की वजह इलेक्ट्रॉन को उसको अपनी ओर ज्यादा खींचे जाता है. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards itself is called its electronegativity. ठीक है, ज्यादा अपनी ओर उसके पास खींचने की प्रॉपर्टी है, उसके पास कैपेसिटी है, दैट वेरी टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मान लो ये HCl का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्लोरीन ज़्यादा है, पावरफुल है हाइड्रोजन से, तो जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया हो उसको अपनी ओर ज़्यादा टाइम के लिए अट्रैक्ट किया जाता है, तभी तो उसके पास डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा. यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एटम्स ऑफ द टू डिफरेंट एलिमेंट. ठीक है, ये सब लिख लेना, एटम्स याद रखना. चलिए अब हमारा है मॉलिकुलर मास. व्हाट इज द मॉलिकुलर मास, What is molecular mass? ये सभी कुछ समझ में आ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मान लो ये हाइड्रोजन चलिए हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास. व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? ठीक है, तो टोटल मास कैलकुलेट कर लिया, ऐड कर लिया, तो हो गया उसका मॉलिक्यूलर मास. ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द सबस्टान इज द अरेंज रिलेटिव मास ऑफ इट द मॉलिक्यूल और द कंपाउंड विद दैट ऑफ एन एटम ऑफ C12 isotope देन टेकन एज अ 12. इन द अदर वर्ड्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ सबस्टान represent the number of times the molecule of that that substance is higher than the 1/12 of the mass of the C12. जैसे तुम लोग एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा था, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास यूनिट भी है, मॉलिक्यूलर मास भी है. वहाँ पे मॉलिक्यूल के मास को 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 से हम लोग कंपेयर किए, देन दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, सभी एटम का भी मास निकाल लेते हैं तो वो हमारा एटॉमिक मास यूनिट हो गया. अब हम लोग मॉलिक्यूलर का मास, मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे, दैट इज कंपेयर्ड विद द 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, कैलकुलेट करना सभी को आता है मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. यस, वेरी गुड. Molecular mass of H2O.
How many hydrogen? First of all, it is system of one hydrogen atom. One. The hydrogen is there of one. Into. Plus, the second part of the mass of the oxygen is C. Again, in this way we calculate the molecular mass. ऐसे ही ना कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब हम मास निकालते हैं C2H6O। How will you calculate? How will you calculate the mass of the C2? How will you calculate? दिख रहा है ना तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? दिख रहा है ना, क्योंकि अरेंज कितना 30 होगा, ठीक है? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास कितना होता है? In this way we calculate the masses of the different elements. क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा ऐसा कैलकुलेशन रहता है जिसको कि फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको किसी कंपाउंड का मास को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? एग्जांपल में भी जो भी दिया हुआ है आप पहले बना लो। हम नाउ कैलकुलेट दी मास ऑफ, चलिए जल्दी हम आपको देते हैं, सब जल्दी जल्दी बना के हमको बताएगा। मास ऑफ दी आपको ठीक है ना। नेक्स्ट निकालना है निकाल के बताओ, तो जल्दी जल्दी निकाल के बताओ तो। देखो ये C2H12 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 C2H12
बना ले लिए C12H22O11 AL2H4 का मास निकलता है यानी सभी को L का भी मास याद होगा सल्फर का भी मास याद होगा इसका जो सल्फर का भी मास याद है नियर अबाउट जो है डबल कर लेते हैं 16 तो सल्फर का क्या होगा 32 ऑक्सीजन का पता ही होगा 16 एलुमिनियम कितना हो गया 342 Yes, very good. L2SO4 whole thing का कितना आया? एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? 27. ठीक है? एल्यूमिनियम का मास 27, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16, कॉपर का मास. What is the mass of copper?
डॉट फाइव एच टू ओ है, H2O का मास सभी को याद होगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको H2O का मास याद नहीं है? उसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है। चलिए फाइव एच टू ओ सबका निकला, सबका बन जाएगा N2SO4 3CuSO4 कितना आ रहा है? सेकंड का कितना आया? वेरी गुड। नाउ थर्ड वन निकालते जाओ, निकालते जाओ। कितना है? क्योंकि जब एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे तभी तो कोई इक्वेशन में कितना हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी। CuSO4 CuSO4.5H2O हो गया। क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है? CuSO4.5H2O CuSO4.5H2O अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन हो गया। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट अबाउट दैट, इसका कैलकुलेशन पहले कीजिए तो कैसे होगा? हाउ विल यू कैलकुलेट, कैसे करेंगे? ठीक है कैलकुलेशन तो कार्बन का मास सभी को भी
कैलकुलेट करके उसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे. देन व्हाट इज The answer will be क्या मिलेगा that we obtained that जो तो जो that is 242. मास ऑफ कॉपर इज 63.5 है ना. किसी भी तरह का कंपाउंड रहेगा बन जाएगा सभी का बन जाएगा ना आप तो ठीक है. अब हम लोग चलिए, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. मॉलिकुलर मास पर कैलकुलेट कर लेंगे, एटॉमिक मास कैलकुलेट कर देंगे. दो तरह का एटम होता है ये, दो तरह का कंपाउंड होता है ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. एनी प्रॉब्लम अगेन? और किसी को प्रॉब्लम है अभी? हर चीज को बारीकी से पढ़ते चले जाओ, कहीं कोई दिक्कत होगा ही नहीं. ठीक है, बारीकी से हर चीज को, हर पॉइंट्स को कोई हड़बड़ी नहीं है. अभी आपका एग्जाम भी नहीं है,